न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया है। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश लगा दिए हैं। नूह में पिछले चार दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा है कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई को हिंसा में शामिल थे। 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई है। इनमें 162 स्थायी एवं 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पिंगनबा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। कल प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी उसे भी गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था लेकिन उसने दंगाइयों को पत्थर इकट्ठा करने से भी नहीं रोका। अगली खबर, एलओसी के पास सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन में एलओसी के पास 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया है कि ऑपरेशन अभी जारी है। पिछले 24 घंटे में सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 5 अगस्त को राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया था। इससे पहले कुलग्राम में 4 अगस्त को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। अगस्त को हुए एनकाउंटर का जायजा लेने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह राजौरी पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया है कि पीर पंजाब इलाके यानी राजौरी और पुंछ जिले में लगभग 3 आतंकी समूह सक्रिय हैं। इनमें से हर एक समूह में 2 से 3 लोगों के होने की आशंका है। हालांकि एडीजी ने कहा है कि आतंकियों का सही आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बल इस इलाके से आतंकियों को मिटाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।